भारत का हिंदू समाज चार वर्णों तथा हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित है। जातियों की उत्पत्ति और इतिहास अपने आप में एक उलझा हुआ विषय है। भारत में निवास करने वाले अनेक पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की जातियां क्षत्रिय वंश होने का दावा करती है। दलित जातियों में चमार जाति भी चवर वंश के क्षत्रिय होने का दावा करती है। आइए इसी क्रम में जानते हैं चमार वंश के राजा कौन थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियां और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चमार जाति समूह का परंपरागत पेशा चर्म, कर्म और चमड़े के जूते आदि बनाना रहा है, लेकिन लंबे समय से इस समुदाय के लोग क्षत्रिय योद्धा जाति के वंशज होने का दावा करते रहे हैं। चमार समुदाय की एक प्रमुख उपजाति है जाटव, जिसे यादव का अपभ्रंश माना जाता है। यादव जाति को वैदिक क्षत्रिय माना जाता है। चमार अपेक्षाकृत एक नया शब्द है। चमार शब्द सन 1872 ईस्वी की जनगणना के बाद से ही धीरे धीरे प्रचार में आया है। हिंदू चर्मकार जाति नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि काफी लंबे अरसे तक चमार कहे जाने के कारण इनके प्राचीन जाति नाम भुला दिया गया। फलस्वरूप कई इतिहासकार भी भूलवश वर्तमान चमार जाति को प्राचीन काल की जाति मानने लगे, जबकि वर्तमान चमार जाति प्राचीन काल में नहीं था। इस पुस्तक में दावा किया गया है कि मध्य काल में विदेशी आक्रमणकारियों, तुर्क, मुस्लिम और मुगल शासकों द्वारा लाखों धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों और स्वाभिमानी क्षत्रियों को जबरन चमार जाति में परिवर्तित कर दिया गया था, और वो भी केवल इसलिए कि उस जाति ने हिंदू धर्म में अपना विश्वास बनाए रखा और किसी भी कीमत पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कई जानकार चमार शब्द को चमर या चवर शब्द का अपभ्रंश मानते हैं और चमार जाति की उत्पत्ति चवर वंश से मानी जाती है। चवर वंश का संबंध पीपल गोत्र से होना प्रमाणित है। ऐसी मान्यता है कि पीपल गोत्र की उत्पत्ति पीपल ऋषि से हुई थी। प्राचीन काल में चवर वंश की सामाजिक स्थिति क्षत्रिय वर्ण की थी। इस राजवंश में कई प्रतापी राजा और शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। मध्य युग में भी चमार कुल के अन्य वंशों में चवर वंश सर्वाधिक प्रतिष्ठित था। कर्नल टार ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस चवर वंश का विस्तार से उल्लेख किया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में चवर वंश का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंधित था। राजा चवरसेन का जन्म इसी चवर वंश में हुआ था, जो इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे। गुजरात स्थित चवरावती नगरी राजा चवरसेन की राजधानी थी। चवर पुराण के अनुसार राजा चवरसेन ने सतयुग में शासन किया था। अमेरिका के राजा अमरीशदेव की पुत्री चवरसेन की पत्नी थी। इनसे 56 पुत्र और 13 पुत्रियां उत्पन्न हुई। चवरसेन के पुत्रों में कमलसेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन आदि का नाम उल्लेखनीय है। कालांतर में इस वंश में भद्रसेन नाम के शक्तिशाली राजा हुए। भद्रसेन के पुत्र का नाम श्रीसेन था। उसके बाद क्रमशः सूर्यसेन और चामुंड राय नाम के वीर राजा भी इस वंश में हुए। चामुंड राय इस वंश के